हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 3D हाउस प्लान बाय इमरान। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 15 फीट बाय 40 फीट की एक हाउस डिजाइन। हमारे एक सब्सक्राइबर है, इन्हीं की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इस हाउस को डिजाइन किया है। काफ़ी स्टाइलिश और मॉडर्न हमने हाउस को डिजाइन किया है। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसका इंटीरियर रिव्यू भी देखेंगे 3D वॉक थ्रू के जरिए से, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, स्किप ना करें। आपको भी अपना हाउस डिजाइन कराना है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं नए नए हाउस प्लान हाउस डिजाइन लाते रहता हूँ जो आपके लिए यूज़फुल होगी। क्योंकि कभी ना कभी आप घर बनाओगे जो आपको एक अच्छी हाउस प्लान हाउस डिजाइन की दरकार पड़ जाएगी, जो इस चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। कोशिश करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और दोस्तों, ये है फ्रंट एलिवेशन। तो फ्रंट एलिवेशन दोस्तों हमने देख लिया है, तो ये इस हाउस का प्लान, इसे पॉज करके अच्छे से समझ लो। डाउनलोड करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आप घर के अंदर इंटर करते हैं और इसका इंटीरियर व्यू देखते हैं। गेट से इंटर करते ही दोस्तों हमें मिलती है पार्किंग, जहां पर इजीली आप दो बाइक आसानी से पार्क कर सकते हैं इस पार्किंग एरिया पे। अब ये सामने वाला डोर से हम लोग चलते हैं घर के अंदर, 3 स्टेप चढ़ने के बाद। इंटर करते ही दोस्तों आपको मिल जाएगी लिविंग रूम यानी कि हॉल। सामने वाला वॉल पे हमने टीवी यूनिट डिज़ाइन किया है, और इस वॉल के सामने हमने एक 2 सीटर सोफ़ा और एक टेबल का सेटअप किया है। बाकी जो वॉल आप देख रहे हैं इसमें हमने वॉलपेपर का यूज़ किया है। और फ्लोर पे फ्लोर टाइल्स और लिविंग रूम की वेंटिलेशन के लिए आपको मिल जाती है विंडो। और ठीक लिविंग रूम के साथ दोस्तों हमने स्टेयर डिज़ाइन किया है जो जाएगी फर्स्ट फ्लोर और छत की तरफ यानी कि टेरिस की तरफ। और लिविंग रूम के साथ दोस्तों हमने किचन डिज़ाइन किया है, ये इस किचन की डोर। तो चलिए हम लोग डोर से इंटर करते हैं और किचन को समझते हैं। किचन पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी जो एक किचन पे होने चाहिए। किचन की वेंटिलेशन के लिए आपको मिल जाती है विंडो, खाना बनाने के लिए गैस स्टोव, गैस निकलने के लिए चिमनी, बर्तन धोने के लिए सिंक, और किचन के खाने पीने के सामान रखने के लिए किचन कैबिनेट्स। बाकी जो आप वॉल देख रहे हैं इसमें हमने वॉल टाइल्स का यूज़ किया है। अब हम लोग किचन से बाहर निकलते हैं और चलते हैं ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो ये डोर जाएगी बेडरूम की तरफ। तो बेडरूम में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है बेड और कवर्ड रखने के बाद। बाकी जो आप वॉल देख रहे हैं इसमें हमने वॉल पेपर का यूज़ किया है जो काफ़ी सुंदर और अच्छी लग रही है। इस वॉल पर हमने वार्डरोब का डिज़ाइन किया है, और इस बेडरूम के साथ दोस्तों आपको अटैच बाथरूम मिल जाती है। और बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए आपको मिल जाती है विंडो जो OTS से होते हुए आपकी बेडरूम पे अच्छी वेंटिलेशन करेगी। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, पहुँच जाते हैं अपने अटैच बाथरूम की तरफ। इस बाथरूम में आपको मिल जाती है नहाने के लिए शावर कॉमट, और बाथरूम की स्मेल निकलने के लिए आपको मिल जाएगी 2 फीट बाय 2 फीट की एक स्मॉल सी विंडो। बाकी जो वॉल देख रहे हैं इसमें हमने वॉल टाइल्स का यूज़ किया है। तो दोस्तों इस बाथरूम से बाहर निकलते हैं, अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। दोस्तों स्टेयर पे हमने ग्रेनाइट का यूज़ किया है, और सेफ्टी के लिए हमने रेलिंग डिज़ाइन किया है जो ग्लास की है। तो ये ग्राउंड फ्लोर का इंटीरियर व्यू और डिज़ाइन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कोशिश करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जितना हो सके। अब इस डोर से हम लोग चलेंगे फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो इस बेडरूम में भी अच्छी स्पेस मिल जाती है बेड और वार्डरोब रखने के बाद। बाकी जो वॉल देख रहे हैं इसमें हमने वाल पेपर का यूज़ किया है। इस बेडरूम पे भी दोस्तों आपको मिल जाती है अटैच बाथरूम।
और वेंटिलेशन के लिए मिल जाती है एक विंडो। तो वेंटिलेशन की थोड़ी भी कमी नहीं होगी दोस्तों आपको किचन पे, बाथरूम पे और बेडरूम पे। ये डोर जाएगी बाथरूम की तरफ, इसमें भी अटैच बाथरूम है। इस बाथरूम में भी मिल जाती है आपको शावर और कॉमट और बाथरूम के स्मेल निकलने के लिए 2 फीट बाय 2 फीट की विंडो। बाकी फ्लोर पे हमने फ्लोर टाइल्स का यूज़ किया और वॉल पे वॉल टाइल्स का। अब इस बाथरूम से बाहर निकलते हैं। अब इस डोर से हम लोग चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने डाइनिंग एरिया डिज़ाइन किया है और एक 4 सीटर डाइनिंग टेबल का सेटअप किया है और ये वाला वॉल पे हमने टीवी यूनिट डिज़ाइन किया है। बाकी जो वॉल आप देख रहे हैं इसमें हमने वॉल पेपर का यूज़ किया जो काफ़ी सुंदर दिख रही है। और यहाँ पर सेफ्टी के लिए हमने ग्लास का रेलिंग डिज़ाइन किया है और ये स्टेयर आपको ले जाएगी छत की तरफ यानी कि टेरिस की तरफ। तो डाइनिंग एरिया को हमने समझ लिया है। अब चलते हैं ये वाला डोर से फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम की तरफ। तो इसमें भी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है दोस्तों बेड और वार्डरोब रखने के बाद। फ्लोर में फ्लोर टाइल्स का यूज़ किया जो वुडन टेक्चर पे है और सामने वाला वॉल पे हमने वॉल पेपर का यूज़ किया है। तो दोस्तों इस बेडरूम पे भी आपको मिल जाती है एक अटैच बाथरूम यानी कि 3 बेडरूम है तो आपको तीनों में अटैच बाथरूम मिल जाएगी इस हाउस डिज़ाइन पे। बाकी हाउस डिज़ाइन को डिटेल में देखने के लिए आप हाउस मैप को डाउनलोड कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये है दोस्तों अटैच बाथरूम इस बेडरूम की। इसमें भी आपको मिल जाती है कॉमट और शावर, बाकी स्मेल निकलने के लिए 2 फीट बाय 2 फीट की एक विंडो। बाकी फ्लोर पे फ्लोर टाइल्स और वॉल पे वॉल टाइल्स का हमने इस्तेमाल किया है। तो चलिए बाथरूम से बाहर निकलते हैं और चलते हैं बालकोनी की तरफ। ये डोर दोस्तों आपको ले जाएगी बालकोनी की तरफ। तो बालकोनी में भी दोस्तों आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। बालकोनी पे खड़ा होके आप चाय पिएं और अच्छी नज़ारे और अच्छी वेंटिलेशन की आनंद उठाएं। तो ये था दोस्तों ओवरव्यू लुक 15 फीट बाय 40 फीट की हॉट डिजाइन की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी और पसंद आई होगी। तो चलिए अब हम लोग छत की तरफ चलते हैं और छत को भी शॉर्टकट तरीके से समझ लेते हैं। तो दोस्तों छत पे हम लोग इंटर कर गए हैं। ये जो देख रहे हैं आप ये है मम्टी रूम यानी कि स्टेयर रूम, इसी से हम लोग आएंगे छत की तरफ। और ये है दोस्तों OTS ओपन टू स्काई, इसी के ज़रिए से आपके सारे कमरे पर अच्छी वेंटिलेशन होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये हाउस डिज़ाइन आपको अच्छी लगी होगी। और भी हाउस डिज़ाइन देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।